ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, है ना? एडिशन ऑफ अल्कोहल आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? क्या होता है, देखो, अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे हम लोग किससे? एल्डिहाइड से, कीटोन से, ये सारी चीजें से हम लोग रिएक्ट करवाने वाले हैं। अल्कोहल रिएक्ट करेगा किससे? एल्डिहाइड से करेगा, कीटोन से करेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, तो वही आज हम लोग कवर करेंगे, है ना? ठीक है, तो फर्स्ट अगर आप देखोगे अल्डिहाइड जो है, अगर आप अल्डिहाइड को एक इक्विवेलेंट से रिएक्ट करा रहे हो, वन इक्विवेलेंट, अल्डिहाइड रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, है ना? तो किसके प्रेजेंस में? ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में। ये याद रखना, ड्राई के प्रेजेंस में होगा। डाइल्यूट जैसे यूज करोगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। हमें ड्राई कंडीशन अप्लाई करना होगा, नहीं तो खुद ही रिएक्ट कर जाएगा हमारा, ठीक है? ओके, अल्कोहल खुद ही रिएक्ट कर जाएगा, है ना? तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? ओके, वाटर का एडिशन हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ड्राई कंडीशन यूज करते हैं, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज करते हैं, सो दैट हमें क्या मिल जाए, अल्कोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा ना, उसे हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। उसके बाद क्या हो जाता है, ये एक और मोल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है अल्कोहल से, और हमें क्या मिल जाएगा, जेम डाई ऑक्सी कंपाउंड, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटल, है ना? जैसे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? देखो, ये अल्कोहल हो गया हमारा। अल्कोहल मान लो रिएक्ट कर रहा है, हम कीटोन ले लो, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, डेल्टा नेगेटिव, है या ना? ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या रहता है हमारा, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है? बोलो, फाइन। और हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वन इक्विवेलेंट, यहाँ पे केवल वन ही है ना? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव जाएगा, कैसे? देखो, ये पॉजिटिव है ना, ओ जो है यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, और एच जो है ऑक्सीजन पे आके लग जाएगा, ठीक है? इसे अगर आप मैकेनिज्म से देखना चाहोगे, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव बना लिया और आपने ऐड करा दी। अब देखो इसका कैसे अटैक करेगा। अब आप लोग ये बताओ, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है हमारा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और कार्बन जो है हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, ये हमारा बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है ना? फाइन, तो लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का अटैक किया इस कार्बन पे, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक होके कहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा हमारा, देखो, सी ओ नेगेटिव, और यहाँ पे ऐड हो गया हमारा आर, ऑक्सीजन पे क्या आ गया हमारा, नेगेटिव आ गया, है ना? और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, फाइन, है ना? यहाँ पे आ जाएगा ओ, यहाँ पे OH, और यहाँ पे है हमारा OR, है ना? ठीक है, और नेगेटिव यहाँ से हट जाएगा। बोलो, इसमें किसी को डाउट है, यहाँ से यहाँ जाने में? बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? ये मैकेनिज्म इसका, और मैकेनिज्म सेम रहेगा आगे भी, है ना? इसमें किसी को डाउट है? बोलो, क्या हुआ, फिर से सुनना सभी लोग ध्यान से। हमारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल है ना, OH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और कार्बन जो है, ये कार्बन पे क्या है हमारा, डेल्टा पॉजिटिव जनरेट है, तो कार्बन कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ऑक्सीजन जो है हमारा यहाँ पे आके अटैक किया इस कार्बन पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला गया, ठीक है? इसी जाएगा तो हमें कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? OR किया अटैक, और ऑक्सीजन पे आ गया था क्या हमारा, ऑक्सीजन पे आ गया था नेगेटिव, तो ऑक्सीजन जो है H प्लस ले लेगा, ऑक्सीजन H प्लस लिया तो आपको मिल गया कार्बन पे OH एंड OR, ये प्रोडक्ट मिल गया हमें। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिड। अगर हम यहाँ पे कीटोन लिए, ध्यान सुनना, नाम चेंज हो जाएगा,
अगर मैं यहाँ पे कीटोन लिया हूँ, है ना, अगर अगर ये रिएक्टेंट कीटोन है तो यहाँ पे बनने वाला हो जाएगा, याद रखना, हेमी कीटल। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? हेमी कीटल, हेमी कीटल। अगर यहाँ पे ये अल्डिहाइड हो जाता, सपोज कर लो ये अल्डिहाइड है, ठीक है, ये वाला, इसको अल्डिहाइड ले लो आप लोग, तब नाम चेंज हो जाएगा हमारा बनने वाला प्रोडक्ट। देखना ये दोनों नाम याद रखना, भूलना नहीं, है ना। अगर आपने अल्डिहाइड ले ली, ठीक है ना, और यहाँ पे आ गया ROH ड्राई HCl, ठीक है, ये OR जाके क्या करेगा, अटैक किया, और ये यहाँ पे नेगेटिव आया ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन जो है नेगेटिव, ये हाइड्रोजन ले लेगा, तो आपको मिलेगा RC, कार्बन पे आ गया OR और H, ठीक है, और OH, है ना। ये जो प्रोडक्ट बना है ये हमारा क्या था, अल्डिहाइड था। अगर अल्डिहाइड से प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही कार्बन पे क्या है, इथर है और अल्कोहल है, तो इसे हम लोग बोलेंगे हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे हम लोग? हेमी एसिटल, दोनों का नाम अलग है, ठीक है, हेमी एसिटल बोलेंगे जब अल्डिहाइड से आप बनाओगे। एक ही कार्बन पे इथर और अल्कोहल होता है, उसे हम लोग हेमी वर्ड यूज करते हैं, हेमी, ठीक है। कीटल कीटोन से बनेगा, तो एसिटल अल्डिहाइड से बनेगा, तो है ना। चलो इसके बाद क्या होता है, फिर जो है हमारा, अगर आप देखोगे सेकेंड इक्विवेलेंट, ये हमारा था फर्स्ट, और ये हमारा दोबारा अटैक कर रहा है हमारा ROH, सेकेंड सेकेंड जो है ना, सेकेंड अटैक कर जाएगा OH के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा हमारा, पानी रिमूव हो जाता है, देखो कैसे, है ना। आप इसे ऐसे बना लो ROH को, HOR, है ना, ये हमारा सेकेंड था इक्विवेलेंट, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो एक ही कार्बन पे दो इथर ग्रुप, इसे हम लोग बोलते हैं, किसी को पता है नाम, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कीटल बोलेंगे या एसिटल बोलेंगे, बोलो। एक ही कार्बन पे दो इथर ग्रुप, बोलो, कीटल, कीटल, एसिटल। सब कीटल, कीटल बोलेंगे। एसिटल का बोलेंगे जब ये बनने वाला अल्डिहाइड से हो, तो ये भी लिख लो यहाँ पे, कहाँ पे लिखोगे सर, आप, एसिटल कब होगा? एसिटल अभी बता रहा हूँ, जब ये बनने वाला अल्डिहाइड से बने, ये बन गया ना हमारा, तो इसी से आगे बढ़ा दो, सेकेंड, फिर से आप 2 ROH सेकेंड इक्विवेलेंट, ये ना, ये हमारा फर्स्ट था, दो बार लिए हुआ, है ना, NCERT में इक्विवेलेंट यूज किया है, इसलिए हम लोग भी इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 मोल भी बोल सकते हो, 1 मोल सेकेंड मोल, है ना, 2 मोल, बट NCERT में इक्विवेलेंट है, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो गुड क्या करेगा, इवनिंग हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। यहाँ से पानी निकालना है अपने को, बस ये पानी निकल गया, तो एक ही कार्बन पे OR, OR, H एंड R, तो ये जो बना है ना कंपाउंड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, ये जो कंपाउंड बना है इसे हम क्या बोलेंगे, कीटल या एसिटल? सर, यस किधर ही भाई, बोलेंगे एसिटल बोलेंगे, एसिटल क्योंकि ये बना किससे, अल्डिहाइड से है, बोलो। ये ध्यान रखना, है ना, दोनों अलग है, कीटल एंड एसिटल आर डिफरेंट, किससे बन रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों नाम आप ले हुए ना, तो दोनों इस पे डिपेंड कर रहा है, कहाँ से बन रहा है, अल्डिहाइड से बनेगा तो एसिटल, कीटोन से बनेगा तो कीटल, के से कीटोन, के से कीटल, ठीक है। बस हेमी कब यूज करोगे, जब OH ग्रुप हो, है ना, ट्रिक ट्रिक याद रखना, हेमी कब यूज करोगे, तब एक OH हो, एच से हाइड्रोजन, एच से हेमी, फाइन, चलो, है ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो।
किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो, सर। है ना? ठीक है, सर ये हम इतना प्रिपरेशन, सर ये हम प्रिपरेशन ऑफ एसिटल और कीटल पढ़ रहे हैं, मतलब कि आप किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? ये तो रिएक्शन करा रहा है ना अल्कोहल के साथ। ये भी बोल सकते हो कि प्रिपरेशन ऑफ कीटल भी बोल सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ एसिटल भी बोल सकते हो, है ना? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म अगर आप देखोगे, पहले क्या होता है ना, पहले ये जो हाइड्रोजन है ना हमारा, एच एच प्लस प्रोटोनेटेड हो जाता है ना? और इसके बाद ये पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद हमारा जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन सा है, आर ओ माइनस ना, आर ओ माइनस अटैक करता है। ठीक है, ये आके यहाँ अटैक करता है। ठीक है, वही सेम ही हुआ, मतलब वो किया अटैक या ऐसे करा दो। ठीक है, पहले प्रोटोनेटेड करा दो, तो जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा, है ना? कब, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक ना? तो ध्यान रखना है ना, पहले आप प्रोटोनेटेड करा देना हाइड्रोजन से, जो एच है ना इसका, आर ओ एच का ये एच। ठीक है, एच ले लेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होते नहीं है। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बना है आर ओ माइनस, आर ओ माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया ना यहाँ पे, तो आर ओ माइनस करेगा इस कार्बन पे अटैक, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक हो जाएगा, और ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज रिमूव्ड। ठीक है, चलो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? तो हमें ये बन जाएगा, है ना? चलो आगे चले हम लोग, बोलो। यस सर, आगे चलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ वन इक्विवेलेंट आर ओ एच। अगर एक इक्विवेलेंट से रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बनेगा, ये आप ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव से। मैकेनिज्म तो देख लिया आप लोग, क्या करना है, पहले पहले ऑक्सीजन पे क्या करा दोगे, प्रोटोनेटेड करा दोगे, है ना? ठीक है, ओके, ये लोन पेयर है, प्रोटोनेटेड हो गया, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एच यहाँ चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। ये तो मैकेनिज्म हो गया, बट अब आप लोग याद रखो कैसे करेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट। अब ध्यान रखो इसका, अब आप लोग ये बताओ, इस कार्बन पे हम लोग पॉजिटिव लिख सकते हैं, हाँ या ना? बट आप लोग मत लिखना, कहाँ पे, बोर्ड में, है ना? बोर्ड के एग्जाम में पॉजिटिव नेगेटिव मत लिख देना, है ना? यहाँ पे क्या लिखो, पॉजिटिव लिख लो, ट्रिक है हमारा बस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, जब पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये पॉजिटिव लिख लेना, ये आप नेगेटिव लिख लो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव लिख लो और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव लिख लो, बस। नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा, बस। समझ गए, समझ गए ना आप लोग? यस सर। ये पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, ये हमारा नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव जो है कार्बन पॉजिटिव के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। ये यहाँ चला जाएगा, और एच पॉजिटिव किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव के पास, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर ये कीटोन है तो हेमी कीटल, अगर अल्डिहाइड हुआ तो, है ना, अगर अल्डिहाइड हुआ तो हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ठीक है, चलो, कब होगा, जब आप एक इक्विवेलेंट यूज करोगे। सर हाँ इसकी बोलो, फर्दर रिएक्शन नहीं करवाएंगे? अगर नहीं, अगर एक इक्विवेलेंट दिया है तो कहाँ से करा दोगे, ऊपर वाला में दो इक्विवेलेंट है क्या, क्या है मास? क्या वन बोलो, एक मास है। वन इक्विवेलेंट मोल की तरह ट्रीट करो आप, एक मोल है, एक ही है ना? ओके सर। इक्विवेलेंट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई, पढ़े हो ना आप लोग, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे हम लोग। ठीक है, आप जो है ना यहाँ पे इक्विवेलेंट को आप मोल के तरह भी सोच सकते हो, कि एक ही है, आर ओ एच जो है सिंगल है, ऐसे सोचो। ठीक है, ऊपर में जो था ना ये दो इक्विवेलेंट का था, देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है ना, एक इक्विवेलेंट आप साइड से भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो वन इक्विवेलेंट, और यहाँ पे लिख लो दो सेकेंड, दो आर ओ एच होगा तभी तो यूज होगा ना। दोबारा अटैक कब होगा, जब ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस में होगा तभी होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा टू इक्विवेलेंट। ठीक है,
ना, ओके सर, अगर एक इक्विवेलेंट हो तो हमें मिलेगा हेमी एसिटल, टू होगा तो आपको कीटल या हाँ एसिटल, कीटल या एसिटल मिल जाएगा। फाइन, अब आओ ट्रिक। ये तो हो गया मैकेनिज्म कैसे करते हैं, है ना। अब आओ डायरेक्ट करने का मेथड है क्या। पानी निकाल दो यहाँ से, करना क्या है, ऐसे लिख दो, अगर आपके पास दो इक्विवेलेंट आर ओ एच है और रिएक्ट करा रहे हो, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी हो, अल्डिहाइड या कीटोन, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है आर ओ एच को और यहाँ से पानी निकाल दो। बस हम लोग को बस पानी निकालना है यहाँ से, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गया, देखो ठीक है। यहाँ पे अगर आर डिफरेंट होंगे तो ओके उससे क्या हो जाएगा, लिख लो आर वन आर टू, क्या होगा सर। उससे, क्या होगा है ना, कीटल और एसिटल, ये डिपेंड करेगा एल्डिहाइड यूज करो या कीटोन यूज करो, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सेकेंड जो था हमारा बी में क्या था, कीटोन रिएक्ट विथ इथाइलिन ग्लाइकोल अंडर द सिमिलर कंडीशन टू फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, यही बनेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर कीटोन के साथ आपने रिएक्ट करा दिया डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड, है ना, तो यहाँ से भी पानी निकलेगा, ठीक है, यहाँ से भी पानी निकलने वाला है, देखो ये, और हमें साइक्लिक कंपाउंड मिल जाता है, और इस साइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या है, साइक्लिक कंपाउंड का नाम याद रखना है ना, आगे पढ़ोगे जब हम लोग एक बार कवर कर लेंगे ना, तो इसका यूज करते हैं कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिव ग्रुप भी बोलते हैं इसको हम लोग, आगे पता चलेगा, है ना, जब हम लोग एडवांस का कुछ पार्ट पढ़ेंगे ना, एक बार कवर हो जाएगा तो पता चलेगा, है ना, इसका यूज क्या है, कीटोन को प्रोटेक्ट करते हैं, कि ऐसा रिएजेंट आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको बोला जाएगा कीटोन को रिड्यूस नहीं करना है, ध्यान सुनना, कीटोन को रिड्यूस नहीं करना है, अल्कोहल को करना है, या बोलेगा कि कीटोन को नहीं करना है, अल्डिहाइड को कर दो, नहीं है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस पार्टिकुलर ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। अब तो ये कीटोन तो नहीं रहा ना, ये समझ गए, पहले ना कीटोन था, ये जब रिएक्ट करा दोगे तो ये कीटोन नहीं रहा, तो जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो उस सब पार्ट हम लोग एडवांस के लिए पढ़ेंगे, है ना, एक बार कवर हो जाए ऑर्गेनिक, ठीक है, ओके ठीक है। ये प्रोटेक्टिव ग्रुप की तरह होता है, कीटोन को प्रोटेक्ट कर देगा, ऐसा ऐसे भी तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग है ना हमारे पास एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि अल्डिहाइड को भी कर देते हैं, कीटोन को भी कर देते हैं, है ना, तो कभी कभी हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसके लिए प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है यहाँ प्रोटेक्ट पे? करने का मतलब ये है कि फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, जो जो भी आप रिएजेंट यूज करोगे, मान लो कि कोई पार्टिकुलर एक्स रिएजेंट है ना, एक्स ये जो है अल्डिहाइड को रिड्यूस कर दे रहा है या अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और आपके क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि इसको नहीं करना है, तो उस केस में आप ये यूज करोगे, क्योंकि अब तो ये अल्डिहाइड या कीटोन तो नहीं रहा ना, ये नहीं सर, अब तो नहीं रहा, अब ये एक्स नहीं कर पाएगा, है ना, थोड़ा एडवांस लेवल का है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब बाद में, है ना। ये OH OH और ये जो मतलब जो डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड है इसे बस यही बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड है नाम है इसका कुछ। हाँ ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, लिख लेना याद रखना, इसको हम लोग, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक, अगर आप कीटोन यूज कर रहे हो, यहाँ पे मान लो कीटोन है ना, आर आर कीटोन है तो कीटल, या एसिटल डिपेंडिंग अपॉन द क्या आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, क्लियर है, बोलो किसी को दिक्कत है, नो सर, ठीक है ना, यहाँ से पानी निकाल देना, आप डायरेक्ट बना सकते हो, है ना, चलो ठीक है, बी हो गया हमारा। सी क्या बोल रहा है कि ड्राई एस सी एल प्रोटोनेटेड द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बन कंपाउंड एंड देयर फॉर इंक्रीज, अच्छा ठीक है, देखो ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है ना, सी पार्ट, सी पार्ट जो है आपको ये बोलना चाह रहा है, एक मिनट जगह नहीं है क्या यहाँ, ठीक है देखो, सी पार्ट जो है हमारा ये बोल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए थे, लेकिन फिर से सुन लो क्या बोल रहा है,
ठीक है, ड्राई एचसीएल जो है हम लोग यूज कर रहे थे, क्यों यूज करते हैं, सो दैट हमारा ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाए। यहाँ पर प्रोटोनेटेड हुआ ना हमारा ऑक्सीजन, ये दिख रहा है ये वाला ऑक्सीजन जो है एचसीएल से एच आया, ये एच कहाँ से आया, एचसीएल से, और ये प्रोटोनेटेड हो गया। जैसे ये प्रोटोनेटेड हुआ तो ये जो कार्बन है ना हमारा, जो स्टार मार्क कर रहा हूँ रेड में, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है, इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा ना, तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स ये स्टार वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन जो जो बॉन्ड बना है ना इसके पास, पूरा इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ जाने लग रहा है। क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा नहीं, और ऑक्सीजन क्या चाहेगा, जल्दी से जल्दी हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज को हटाएं। उसको हटाने के लिए क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने लगेगा। जैसे ही वो खींचेगा ना, अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक फील करेगा। ऐसा समझो ना, आप घूमने जा रहे हो, कोई चोर आया, आपसे सामान छीनने लगा, ठीक है, तो कैसा महसूस होगा आपको, कि मेरा सामान लेके चला जाएगा ये, है ना। तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पे, कार्बन के पास ऑलरेडी था इलेक्ट्रॉन, बट ऑक्सीजन जैसे ही प्रोटोनेटेड करा दिए, प्रोटोनेटेड मींस हाइड्रोजन एच प्लस जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, अटैच हो गया। प्रोटोनेशन का मतलब ये होता है ना। प्रोटोनेशन के बाद जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से जो बॉन्ड बना है उसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ तो खींचना खींचेगा ना, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जैसे किया, स्टार वाला जो है कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर बढ़ जाता है ना। मान लो चोर जो है आपका मोबाइल छीन रहा है और आप पकड़े हो, है ना, ठीक है, आप चिल्लाओगे हेल्प हेल्प हेल्प, है ना, तो पुलिस आके हेल्प करेगा, तो न्यूक्लियर फाइल समझो आप पुलिस है ना, आके आपका हेल्प कर दिया, ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो, है ना, किसी को डाउट है यहाँ पे बोलो। एनी डाउट नो सर। है ना, ठीक है। प्रोटोनेशन क्यों कराया, सो दैट हमारा कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसका बढ़ जाए, ये लिखा हुआ है। ड्राई एचसीएल प्रोटोनेटेड द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड एंड देयर फॉर इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, है ना, ठीक है, यही रीजन है। ओके, ये प्रोसेस जो है ना सब में होगा, ये नहीं कि केवल इसमें हो रहा है, सब में होगा। सब में मीन्स जो भी हम लोग कवर किए हैं ये सब में हो रहा है। पहले क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा, ये चाके लग जाएगा यहाँ पे, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये जो है देख लो, एक बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले क्या है, होगा ना, इसको हटाओ डायरेक्ट मेथड, ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन जो है प्रोटोनेटेड हो गया। प्रोटोनेटेड का मतलब ये हुआ, ये एच प्लस और एच माइनस, एच यहाँ से लूज हो गया, एच प्लस हो गया, एसिड है ना, एसिड अपना एच प्लस लूज करेगा, तो एच जो है ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन पे एच आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये आर है और ये एच है। ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया अपना यहाँ पे, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन दोनों उसके पास चले आए, है ना, तो ये कार्बन कैसा बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ गई। तो बढ़ गई इसका मतलब ये है, जो हमारे सोल्यूशन में ऑलरेडी आर ओ माइनस है, न्यूक्लियोफाइल जो है ये आके यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है, सो दैट ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो रहा था, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर देगा और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, बट मैकेनिज्म तो जस्ट आपको जानने के लिए, डायरेक्ट मेथड समझ गए ना, क्या करना है, पानी निकाल देना है बस, सब में क्या करना है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हमें बस पानी निकालना है ना, ठीक है। इसमें बताओ क्या बनेगा,
फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताना सभी लोग क्या बनेगा आप लोग का प्रोडक्ट। सर ओ सी टू एच फाइव लग जाएगा, दोनों जगह, दो जगह लग जाएगा। जब नहीं दिया हो तो दोनों दो टू इक्विवेलेंट्स मान के चलो, एक जब कुछ दिया ना हो तो एक ही पहला मान है। लो, वन इक्विवेलेंट। एक मोल मानो, एक मोल मान सकते हो, एक इक्विवेलेंट मान सकते हो, ठीक है, टेंशन मत लेना, है ना। वन इक्विवेलेंट या वन मोल, एक मोल मीन्स एक, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, वन पे क्या लगाओ। एक एक ओ सी एच थ्री और हाँ एक में ओ एच। यस, एक पे ओ एच आएगा और एक में क्या आ जाएगा, ओ सी एस थ्री। इसका भी कोई ऑर्डर है, मतलब कि रिपल्शन वगैरह हो रहा है, जैसे कहीं रिपल्सन भी तो लगा सकते हैं, मतलब कौन से, हाँ ओ सी एच थ्री और ओ एच, जैसे कि ओ सी एच थ्री सी एच थ्री से रिपल्शन करेगा थोड़ा सा, ना ना ना, ये नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, ना आगे ना पीछे हो जाए। ना ना, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे आप, पानी निकाल दो, है ना, यहाँ ऐसे लिखो और इसे पानी निकाल ओ दो, सी टू एच पाइप लग जाएगा दोनों जगह। ठीक है, क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना। सर ये ऊपर वाले में ओ सी एस थ्री लगा है, सर सी एस थ्री लगना चाहिए था ना। अच्छा सी एस थ्री कैसे, बताओ, बोलो नहीं बोलो, जो नहीं सर पॉइंट, हो गया सर, आगे आगे याद आ गया, समझ आ गया, हो गया, ये नेगेटिव है ना, यही अटैक कर रहा है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन ही, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ इसकी सर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोटोनेट करा दे रहे हैं, ठीक है, यस सर, हो गया हो गया, समझ आ गया। सबसे बढ़िया पानी निकाल दो, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, पानी निकाल दो इसका, माइनस एच टू, क्या बन गया आपको, बन गया ना, हाँ या ना, ठीक है, हाँ बोलो, डाउट है इसमें, किसी हाँ को डाउट सर, सर नहीं ना, चलो ऊपर चलना थोड़ा। हाँ सर, यहाँ पे जहाँ पे आप कहते हैं सी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, सर यहाँ पे अगर सी इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा तो ये सर ये सी एच थ्री ग्रुप इसको दोबारा से वो नहीं कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर देगा उसका। सही है, बट हम लोग यहाँ पे कंपेयर थोड़े कर रहे हैं, वो आप सही बोल रहे हो कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटाएगा, वो बात सही है ना। तो अगर फिर यहाँ पे सर फिर ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर यहाँ पे आप NO2 डाल दिए तो क्या होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा बस, ठीक है, ठीक नाइस क्वेश्चन, है ना। इसका मतलब आप लोग को ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है ना, ठीक है, चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ना। एसिटल और कीटल को जब आप लोग हाइड्रोलाइज करोगे वाटर से, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसीलिए हम लोग यूज क्या करते थे, ट्राई, ठीक है, ड्राई हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ड्राई एसिटल, क्योंकि खुद ही क्या करेगा, वाटर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जो आप लियो है ना, फिर से वो रिटर्न हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो आपके पास ये कंपाउंड प्रेजेंट है ना, ये मान लेते हैं कीटल है, ठीक है, ओ आर ओ आर प्रेजेंट है एक ही कार्बन पे, वाटर आपने यूज कर लिया, मान लो एक्वास एक्वास HCl यूज की लिया आपने, ड्राई नहीं यूज किया, है ना, उस केस में क्या होगा ना, देखो आप लोग, अगर आप फर्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा, पहले क्या होगा, पहले हाइड्रोलाइसिस होगा, देखो एसिटल एंड कीटल आर हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज होगा एक्वास मिनरल एसिड, मीन्स H3O प्लस को ही बोलते हैं हम लोग मिनरल एसिड, है ना। इसमें क्या होगा, पहले देखो क्या होता है, आर सी ओ आर, पहले हाइड्रोलाइज होगा, देखना कैसे, फिर ओ आर है और हमारा यहाँ पे एच है, और यहाँ पे H3O प्लस के हेल्प से आप
हाइड्रोलाइज कर रहे हो, मीन्स बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कोई एक बॉन्ड, ये भी ब्रेक कर सकते हो आप लोग, सेकेंड वाला भी ला और फर्स्ट वाला भी, है ना, कोई सा भी एक कर लो आप, है ना। ये बताओ ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है ना और कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वाटर में दो पार्ट होगा, एक एच प्लस होगा दूसरा ओ एच माइनस होगा, OH तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव वाले, यस नेगेटिव यहाँ ये ओ एच हो गया और ये एच हो गया, तो हमें ये मिल गया। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, हाइड्रोलाइज्ड, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, हाइड्रोलाइसिस हुआ है ना, तो आपको क्या मिल गया बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं ना तो क्या बना, ये बताओ नाम, नाम बताओ इसका, हेमी एसिटल, एसिटल यस हेमी एसिटल, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज कर लिया आपने, अब देखो इसके बाद हमारा जो होगा, जो आप लोग ध्यान रखना, वैसे हमारा जो ये लोन पेयर है ना ऑक्सीजन पे, दिख रहा है ना सबको, है ना, और ये यहाँ पे भी जो है, ये जो है यहाँ पे करेगा अटैक, क्यों करेगा बताओ, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों किया, दोनों के पास लोन पेयर है, करना तो चाहिए, और आपके मन में ऐसा सवाल आना चाहिए, सर व्हाई टू अटैक कर रहा है, व्हाई नॉट वन, वन वाला ऑक्सीजन क्यों नहीं कर रहा है, टू वाला कर रहा है, बताओ क्यों, सर, क्या मोर रही, इलेक्ट्रोफाइल मोर न्यूक्लियोफाइल होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी हो गया, न्यूक्लियोफाइल कैसे रीजन, सर, प्लस साइज आर और क्या ग्रुप बात, लगा क्या बात है, आप इसका मतलब आप फील कर रहे हो ऑर्गेनिक को, है ना, ये आर ग्रुप है ना, यही तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, ये आर ग्रुप क्या करता है, प्लस आई है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन में बढ़ा दिया, और यहाँ पे क्या है, सिंपल हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कुछ तो पैसा दे रहा होगा ना आर, 10 रुपये 5 रुपये, है ना, ऐसा समझो, इलेक्ट्रॉन के टर्म में कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा ना, समझ गए आप लोग, क्यों ओ आर अटैक कर रहा है, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, लिख लो यहाँ पे, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, ड्यू टू मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ा दिया, तो ये पार्टिकुलर ऑक्सीजन जो है इथर वाला, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी इन नेचर हो गया, तो ये अटैक कर देगा एच पे, तो प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पे, है ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये मैकेनिज्म है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो ये ऑक्सीजन है ना, है ना, ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया दोबारा, और ये यहाँ से छूमंतर गायब, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब ये ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा, ठीक है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में आपने क्या लिया था, एल्डिहाइड, और आपको मिल गया एल्डिहाइड प्लस, है ना, आर ओ एच, ठीक है, आपने जो स्टार्टिंग में लिए थे वही आपको दोबारा मिल गया, तो कैसा महसूस हुआ कि हम लोग एक्वस नहीं यूज करेंगे, समझ गए, है सर, ना, सर थर्ड स्टेप दोबारा बताना। थर्ड वाला देखो, ये वाला ना, देखो हाँ यही वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया ना, बोलो, तो यस सर, मैकेनिज्म कैसे होता है, ये जो ऑक्सीजन है ना हमारा, ऑक्सीजन जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, ठीक है, जैसे ही डोनेट ठीक है। करेगा डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, वैसे इसका मैकेनिज्म उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका नॉलेज के लिए मैंने बता दिया यहाँ पे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपने एसीटल, याद करने वाला चीज़ है ये सब, एसीटल, या अगर आप कीटल को हाइड्रोलाइज कर रहे हो, है ना, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा, मतलब अगर आप अल्डिहाइड से बनाए हो तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, अगर आपने कीटोन यूज किया है तो कीटोन मिल जाएगा, इसलिए हम लोग एक्वा सोल्यूशन यूज नहीं करते हैं, ड्राई कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, बैक साइड में मूव कर जाएगा, ठीक, ओके।
तो ये सब बात आप लोग जस्ट याद रखना, और इसका मैकेनिज्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है बस। चलो अब हम चलते हैं आज का जो है इस पार्ट का लास्ट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ एमोनिया के पास लोन पेयर होता है कि नहीं, बोलो सर होता है। यस है ना। यस तो एमोनिया कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, हाँ या ना, सर है ना। अगर एमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो आप लोग याद रखना ये पार्ट जो है एमोनिया का यही अटैक करेगा हमेशा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये जेड क्या है, ग्रुप है ना, कोई सा भी ग्रुप जो है ऐड रहेगा यहाँ पे एमोनिया के साथ। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है जेड, एनसीईआरटी में आपको मेंशन होगा टेबल के फॉर्म में। सभी लोग एनसीईआरटी खोलो, लिखा हुआ है ना वहाँ पे, अल्डिहाइड एंड कीटोन खोलना एवरीवन, सर है। है ना। कितने लोगों ने खोल के रखा है ये बताओ उनको दिखेगा, बाकी लोग जो सो के देख रहे हैं उनको तो ना दिखेगा। वहां पे है टेबल बना हुआ, बोलो दिख रहा है सबको। हाँ हाँ अमोनिया नाइट्रेट डेरिवेटिव यस। तो ये जेट क्या है, वहां पे जेट की जगह पे देखो एच डिफरेंट। है, स्टार्टिंग फर्स्ट देखना हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, यस सर अमोनिया। ठीक है ना, यहाँ लिख लो डेरिवेटिव, यहाँ पे लिख लो, है ना। क्यों उनके लिए निकाले थे जो, सर। उनके लिए मैं लिख रहा हूँ जो थोड़ा एनसीईआरटी जिनके पास अभी नहीं है, है ना, है ना, बैग में हो, है ना। डेरिवेटिव मान लो जेड हो सकता है आपका क्या, एच। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम भी लिख लेना एनसीईआरटी में, नेम भी मेंशन है ना, वैसे नाम याद रखना आप लोग। ठीक है, अगर आपने सेकंड क्या है हमारा जेड हो सकता है आर, ठीक है, जेड क्या हो सकता है हमारा बताओ, ओ एच, वहां पे सब मेंशन है, ये याद रखना। जेड जो जेड था ना ग्रुप था, यही ग्रुप है, एच है, आर है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप होगा, ओ एच हो गया हमारा, है ना, एन एच थ्री हो गया, फाइन। तो ये आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक है, NH2 होगा। यस, एन एच टू है ये, ठीक है, एन एच थ्री नहीं है, एन एच टू हुआ। फिर क्या है बोलो, इसके एन एच टू के बाद क्या है, एक ना साइक्लिक स्ट्रक्चर टाइप का होगा, है ना। हाँ ठीक है, तो इसका नाम और ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है, ये सभी क्या है, जेड है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपको, है ना, मेंशन होगा, याद रखना बस, है ना। ठीक है, बट अटैक कौन सा करेगा, वही करेगा जो मैंने मार्क किया है ऊपर, है ना, बाकी नहीं करेंगे ये, नहीं तो बैठ जाना। सर आपने तो बोला था नाइट्रोजन पे लोन पेयर अटैक करेगा, ठीक है, वो तो मैंने बोला था, बट कौन सा करेगा, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है ऊपर। ठीक है, और इसका नाम सब एनसीईआरटी में जो मेंशन है ना, अभी लिख लो नोट्स में ही, है ना, नोट्स में ही लिख लेना उसका नाम, स्ट्रक्चर, सारी चीजें, है ना। चलो अब आ जाओ ऊपर, जेड समझ गए, जेड उस पार्टिकुलर टेबल में जो भी होगा उसका नाम और स्ट्रक्चर याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है, बोर्ड में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी, है ना। ठीक है, ये जेड क्या बोल रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल सच एज एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव एन एच टू जेड, जेड के जगह पे एच हो जा, एच होगा, ओ एच होगा, है ना, ये सारी चीजें होंगी, एड टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे होता है आप देखो, ये रिएक्शन हमारा कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है ना, ये रिएक्शन कैसा बिहेव करता है हमारा, रिवर्सिबल की तरह, बट एक ऐसा आगे प्रोसेस हो जाता है जिससे हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है ना। वैसे तो ये रिवर्सिबल नेचर होता है, बट वहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो OH निकालने के बाद जो कंपाउंड बनता है ना वो स्टेबल हो जाता है, H2 निकलता है वहाँ से, तो थोड़ा स्टेबल हो जाता है ना। ठीक है, कैटलाइज बाई एसिड, एसिड मेंशन रहेगा, मान लो H+ दे देगा, है ना, कुछ भी दे सकता है वो लोग। ठीक है, ओके, जो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम फेवर, एसिड की प्रेजेंस में वो होगा रिवर्स या फिर हाँ अपने नहीं नहीं से हो जाएगा रिवर्स। रिवर्स वो अपने में हो जाता है, तो है ना, रिवर्सिबल ही नेचर होता है ये, बट इसका ड्राइविंग फोर्स अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है।
ठीक है, एसिडिक मीडियम लिखना आप लोग। ये बोल रहा है ना कि ये रिएक्शन जो हो रहा है रिवर्सिबल नेचर होता है, हाँ होता है, बट जो प्रोडक्ट बनेगा ना यहाँ पे, इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू द रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है तभी रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल स्टेप वन एंड टू आर रिवर्सिबल इन नेचर, बट टू एंड थ्री आर नॉट, ठीक है। ये आपको थ्योरेटिकल में पूछा जा सकता है कि वन और टू रिवर्सिबल है कि नहीं, तो आप बोलना हाँ है, बट वंस द डिहाइड्रेशन ऑकर उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। ये स्टेप रिवर्सिबल है, वन एंड टू बोथ आर रिवर्सिबल इन नेचर, है ना। जैसे टू से थ्री में चला गया कंपाउंड तब ये रिवर्सिबल नहीं है, है ना, यहाँ से पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, यही बोल रहा है, रैपिड ड्यू टू द रैपिड डिहाइड्रेशन। यही रैपिड डिहाइड्रेशन क्या है, ड्राइविंग फोर्स है इसका, लिख लेना, है ना। अगर कोई आपसे पूछे अगर ये रिवर्सिबल है तो फिर रिएक्शन कैसे हो रहा है, लिख लेना, ड्यू टू द रैपिड डिहाइड्रेशन, यही इसका क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। यही 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 हमारा क्या है, ड्राइविंग फोर्स आगे जाने का, क्योंकि बनने वाला कंपाउंड हमारा स्टेबल हो रहा है, ये है ना, सी डबल बोन एन 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 और जेड। जेड क्या है समझ गए ना आप, जो एनसीईआरटी में टेबल मेंशन है वही जेड यहाँ पे रहेगा। ये तो हो गया कैसे रिएक्शन हो रहा है ना, इसका डायरेक्ट मेथड ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे, बस पानी निकाल दो, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो ऐसे लिख लेना आप लोग, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से पानी निकाल देना है, बस यही कंपाउंड मिल गया आपको सब में। ये तो ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी इजी होता है ना, पानी निकालना रहता है इसमें, केवल ऑक्साइम बन जाएगा, है ना, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कहां से पानी निकाले, मीन्स कहां किसका हाइड्रोजन निकाले, वन का टू का या थ्री का, और ये हम लोग न्यूक्लियोफाइल में भी पढ़े थे, टू का, ये हम लोग जब थ्री का निकाल देते हैं, जब हम लोग वन पेयर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोन, यस, ये हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी जब पढ़ रहे थे तो वहां पे भी मैंने बताया था। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेक करोगे, ये चेक करना होगा कि जिस एटम के पास आप चेक कर रहे हो ना उसका फ्री लोन पेयर है कि नहीं। तो वन के पास है, देखो रेजोनेंस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये कहाँ कर रहा है, तो हमारा मोर इलेक्ट्रो मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी ये हो गया ना, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया। ये ध्यान रखना है ना, ब्लाइंडली मत पानी निकाल देना, है ना, कि सर आपने तो बोला था पानी निकालने के लिए, फिर क्यों गलत है वो हो गया मेरा, तो ध्यान रखना है ना, पानी निकालना कि ये मतलब थोड़ी है कहीं से भी निकाल लो, है ना। तो थ्री वाला से हम लोग रिमूव करेंगे, ओके। बोलो इसमें किसी को डाउट है, ये वाला एच निकलेगा यहाँ से, चलो क्लियर हो गया सबको, बोलो। Yes, sir. तो हमें कंपाउंड मिल गया है ना, ठीक है। आज वाला जो भी रिएक्शन था ना सब डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो आप लोग, मैकेनिज्म इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। डेरिवेटिव एनसीईआरटी में मेंशन होगा, सब देख लेना, भूलना नहीं, है ना, सबका नाम स्ट्रक्चर याद रखना, और ये आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट रहेगा, अल्डिहाइड रहेगा और ये दिया रहेगा, अल्डिहाइड रहेगा ये ग्रुप मेंशन रहेगा, कीटोन रहेगा ये ग्रुप मेंशन रहेगा, है ना, सोच लो, ठीक है, डायरेक्ट रहेगा ये सारे, इसमें कोई चेंजिंग थोड़ी आएंगी वहां पे, ठीक है, चलो, है ना। तो कुछ चीजें आज देख लेते हैं वैसे, है ना, वैसे हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग वाला पार्ट, तो इसमें भी है, देख लेते हैं, वही रिपीट होगा पार्ट आज, जैसे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना, कॉपर और सिल्वर के प्रेजेंस में, याद है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, भूले नहीं होगे तो आपको याद होना चाहिए, कॉपर वाला हम लोग पार्ट कवर कर चुके थे, बोलो किए थे या नहीं किए थे, बताओ सर, किया है, तो किया था, ठीक है। वन डिग्री अल्कोहल,
एल्डिहाइड में, 2 डिग्री कीटोन में, 3 डिग्री क्या बन रहा था, अल्कीन, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, नाम बताना। पीसीसी, पीडीसी, जोन, याद आया कि नहीं आया, बोल यस सर, जो भी जोन है ना। जी यार, जोन्स रिएजेंट और कौन से थे बताओ, ये याद रहेगा ना तभी आप क्रोमिंग कन्वर्जन कर पाओगे, ऑक्साइड, ठीक है। सी यार, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जो भी माइल्ड वाले थे ना सब होंगे, ठीक है याद रखना। ओके अल्कलाइन चलो। KMnO4, जो भी माइल्ड वाले थे सब होंगे, है ना। ओके, 3 डिग्री में क्या हो जाता था हमारा, E2, यहाँ पे इलिमिनेशन होगा, अल्किन का फॉर्मेशन होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा रिडक्शन जो है, इसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन, है ना। क्या नाम है इसका, रोजनमंड, और ये काफी ज्यादा नेम्ड रिएक्शन में भी आएगा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, रोजनमंड है ना रिडक्शन। ये फिर से आएगा कब, जब हम लोग लेक्चर लेंगे ना ऑक्सीडाइजिंग पे, रिड्यूसिंग पे, फिर से आएगा वहां पे, और ज्यादा डिटेल में आएगा, ठीक है। अभी क्या है, चैप्टर वाइज जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। जब जब हम लोग कवर करेंगे ना नेम्ड रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग वाला, रिड्यूसिंग वाला, टेस्ट, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा फिर ये, है ना। तो अभी जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो रोजनमंड रिडक्शन इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, और आपको जेई के लिए भी, मेंस के लिए भी, है ना। रिएजेंट भूलना नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग हो या रिड्यूसिंग वाले, रिएजेंट भूलना नहीं है, याद रखना आप लोग। ये दिखा क्या बनेगा, कहाँ से क्या बनने वाला है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको एच और इसको एच दे दो, तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बोलो, तो आपको याद रखना होगा, अगर RC डबल बॉन्ड CL है, रोजनमंड रिडक्शन यूज कर रहे हो, तो अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है ना, ये आप लोग ध्यान रखना। अगर आपने केवल H2PD यूज कर लिया, तो अल्डिहाइड नहीं है, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन भी है, में भी आया था ये, ठीक है। BSO4 क्या है, यहाँ पे पॉइजन की तरह बिहेव करता है। पॉइजन मीन्स, कोई बता सकता है, व्हाट इज पॉइजन ओवर हियर, पॉइजन का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मैं पॉइजन बोल रहा हूँ BSO4 का, तो मतलब क्या है इसका मीन्स, पॉइजन का मतलब क्या है। सर ये फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता हूँ। ठीक है ना, रिएक्टिविटी को कम कर देता है। अगर आपने डायरेक्ट केवल H2PD यूज करोगे ना, खत्म कर देगा सीधे, एल्डिहाइड में नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ा देगा, इसलिए हम लोग BSO4 का यूज करते हैं ना, पॉइजन की तरह बिहेव करता है, रिएक्टिविटी कम कर देता है ना। BSO4 क्या करता है ना, रिएक्टिविटी जो है H2PD का कम कर देता है, डिक्रीज डिक्रीज कर देता है ना। नेक्स्ट जो है हमारा स्टीपेंट रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन में भी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज स्टीपेंट रिडक्शन बताओ, है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना। इसका रिएजेंट याद रखना आप लोग, मेंशन होगा क्या आपके पास, SnCl2+HCl, और उसके बाद दे देगा H3O+ या स्टीम, ये रिएजेंट है उसका, स्टीफन रिडक्शन का, है ना। तो ये आप लोग भूलना नहीं, ओके, ये आप लोग ध्यान रखना। तो स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, नाइट्राइल जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, बस ये याद रखना, क्या CN जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ओके। वैसे मैं एक टेबल भेजूंगा आपको, जिसमें पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पूरा रिड्यूसिंग एजेंट आएगा टेबल में, छोटा सा है, बट वो कब 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 भेजूंगा, जब एक बार हो जाए, ठीक है। ओके, तो स्टीफन रिडक्शन क्या कर रहा है, CN को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ना। तो आपसे कन्वर्जन क्या पूछ सकते हैं, वो लोग बोलेंगे कि नाइट्राइल से अल्डिहाइड में बताओ कैसे बनाओगे, तब आपको ये याद होना चाहिए कि स्टीफन रिडक्शन से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं ना सर कन्वर्जन कैसे करें, कन्वर्जन कोई टॉपिक थोड़ी होती है, कन्वर्जन इज ए पार्ट ऑफ, पार्ट है ना क्वेश्चन का,
आपसे बोल देगा नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाओ, तो आपको ये पार्ट याद होनी चाहिए कि आप रिडक्शन करा सकते हो, समझ रहे हो ना? ठीक है ना? ओके, तो ये ध्यान रखना है ना, है ना? इसका मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहो तो देख लो कैसे होता है। SnCl2 आप यूज कर रहे हो प्लस HCl, है ना? तो पहला क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, है ना? ठीक है, तो नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है ना? और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। वाटर के पास एच प्लस और ओ एच माइनस दोनों होता है, तो नेगेटिव वाले पार्ट पर कौन सा जाएगा, एच प्लस, पॉजिटिव वाले के पास ओ एच माइनस। ठीक है, एक बार बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर आप एक बार बॉन्ड ब्रेक करोगे, है ना? क्योंकि वाटर यहाँ पे एक्सेस में यूज करोगे, है ना? हमारा जो वाटर होगा, हाइड्रोलाइसिस जो करा रहे हो एच और ओ एच से, एक्सेस में होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना? नाइट्रोजन पे नेगेटिव होता है, तो इसके पास एच आ गया और इसके पास ओ एच, है ना? तो अब देखो क्या हो रहा है, एक ही कार्बन पे दो ओ एच ग्रुप दिखा और एमोनिया यहाँ से निकल गया है ना? एक ही कार्बन पे दो ओ एच ग्रुप, पानी यहाँ से रिमूव, है ना? ये तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा अब तक क्या हो रहा है। यहाँ से पानी निकाल दो तो सी डबल बॉन्ड वो बन जाएगा, तो अल्डिहाइड हमें मिलता है अगर आप नाइट्राइल से हाइड्रोलाइसिस कराओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सभी लोग, ओके? डायरेक्ट याद रखना, नाइट्राइल सीएन से अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाओगे विद द हेल्प ऑफ स्टीफेंट रिडक्शन। नाम क्या है? स्टीफेन, ओके, डाइबल एच। ठीक है, तो डाइबल एच भी क्या है हमारा, ये भी हमारा रिड्यूसिंग तरह ही बिहेव करता है ना? डाइबल, ओके। यहाँ पे भी सेम, नाइट्राइल को ये भी कन्वर्ट कर देगा आपको अल्डिहाइड में, है ना? ठीक है, ओके। कैसे? देखो सेम मेकानिज्म होगा, यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एच और एच। डाइबल एच का फुल फॉर्म भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, ये पूरा दे देंगे वो लोग, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच का फुल फॉर्म है ना? अगर आप केवल ये याद किए हो, डाइबल एच वहां पे लिख के दे दिया ये, ठीक है? तो छोटी छोटी गलतियां मत करना आप लोग, है ना? पूरा याद रखना, ओके। एच एच लग गया, फिर आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो एच प्लस और ओ एच माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक ओ एच यहाँ चला गया, एच यहाँ चला गया, तो आपको मिल जाएगा सी, यहाँ पे आ गया ओ एच, एच एन एच और यहाँ एच आ गया, फिर आप हाइड्रोलाइज किए इसको, है ना? एच और ओ एच दे दिया आपने, तो एक ही कार्बन पे दो एच ग्रुप, पानी निकाल दो आप, है ना? यहाँ पे हो गया ओ एच, ये ओ एच और यहाँ पे आ गया एच प्लस NH3, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, पानी, पानी निकाल दो आप और आपको मिल जाएगा अल्डिहाइड। CN से हम लोग अल्डिहाइड बना लेते हैं ना? ठीक है, क्लियर है? तो और भी रिएक्शन होता है डाइबल एच का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना? केवल ये साइनाइड को ही नहीं करता है, बाकी बाकी को भी करेगा, ईस्टर को भी करता है ना? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने रोजरमोंड रिएक्शन में भी तो उसे आरसीएन को कन्वर्ट कर रहे थे। हाँ, आरसीएन को ही करते हैं, ठीक है? और डाइबल एच कर, डाइबल एच जो है ना, सीएन को भी करेगा, ईस्टर को भी करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ओके करेंगे सर, स्टार्ट। अब आप लोग देखो, है ना, बहुत लोग बोल रहे थे कन्वर्जन कन्वर्जन, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है और आप लोग ट्राई करके आना नेक्स्ट क्लास में, कौन कर पा रहा है ना, वो हम लोग चेक करेंगे। क्या है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है यहाँ पे टोलवीन, क्या दिया हुआ है, टोलवीन, और आपको क्या बनाना है, बेंजल अल्डिहाइड, बेंजल अल्डिहाइड क्या लगा देना है आपको, CHO लगा देना है बस। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में आपको टोलवीन से बेंजल पीसीसी अल्डिहाइड, डलेगा लास्ट में, बीस लास्ट में पीसीसी आएगा। लास्ट में पीसीसी ना, पहले तो आप इससे यहाँ पे आओगे ना, तब ना यहाँ से यहाँ जाओगे।
तब तो यहाँ से आप लोग ट्राई पहली करो, है वाली ना, बहुत सारा मेथड होता है ना। कोऑर्डिनेशन है। हाँ तो आप लोग ये देख के नहीं है अपना, ठीक है, ट्राई करना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ईस्टर से, है ना। ओके चलो, और हम लोग हो सकता है कल एक्स्ट्रा क्लास लें हम लोग, है ना, 1 घंटे का, ज़्यादा का नहीं। हाँ अपने पिछली क्लास के और इस क्लास के नोट्स भेज दिए थे नहीं, आज भेज दूंगा, है ना, सर, आज भेज दीजिए प्लीज। ठीक है ना। एंड तो सभी सर, लोग क्या, हाँ जिन्होंने ठीक है, टेस्ट नहीं दिया वो कब तक दे सकते हैं? 11 बजे तो खुला रहेगा और शायद ओपन रहेगा, टाइम रात तक होगा शायद। वैसे आप टेस्ट दे दो अभी, है ना, वो ना स्कूल ठीक, जाना पड़ा था आज, तो और इसीलिए। कोई नहीं, ठीक है, टेस्ट दे देना। ओके चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, और कल आप लोग का हो सकता है क्लास हो, है ना, ठीक है।